नमस्कार। पता है आपको मजबूत इंसान कौन से होते हैं? आपने देखे होंगे बहुत सारे इंसान है ना, मजबूत होते हैं, विपरीत परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी बाहर निकल जाते हैं। अच्छे अच्छे इंसान तो जब डिफिकल्टीज आती है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रबल्स कम्स इन देयर लाइफ, तो वो घबरा जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं दिमाग से और दिल से। वो हारते नहीं हैं, वो मजबूत होते हैं। ये मजबूत लोग कौन होते हैं, आज अपन टॉकिंग करेंगे इनके बारे में। मजबूत लोग पता है वो कौन से सिचुएशन से गुजरते हैं? ऐसे लोग जिनके ख्वाब भी टूटे, जिनके सपने भी टूटे, जिनके दिल भी टूटे और जिनके अपने भी रूठे। ऐसे लोग जिनकी सारे सब कुछ रूठ गए, सब पूरी दुनिया और हर तरह से निराशा हताशा, फिर भी वो संकट से ऊपर उठते हैं, फिर वो वापस आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग मजबूत होते हैं। इन सारी डिफिकल्टीज के बीच में भी अगर इंसान कहते कि यार कि नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं वापस कुछ कर जाऊंगा, वो इंसान मजबूत होते हैं। इन सारी डिफिकल्टीज और इन सारी सिचुएशन के बीच में भी अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता है और हार्ड वर्क का दामन नहीं छोड़ता है, वो उस इंसान के ऊपर आप चाहे कितनी ही मुश्किलें डाल दो, कितनी ही असफलता उसको फेस करवा दो, वो इंसान अगेन उठ खड़ा होगा। जो इंसान उम्मीद का दामन और जो इंसान हार्ड वर्क का दामन नहीं छोड़ता है ना, वो इंसान हमेशा मजबूत इंसान होता है। उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता है। उसको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, इट कम्स इन माय लाइफ, आई विल फेस विथ, मैं फेस करूंगा उनको अपनी उम्मीद के साथ में और मेरे हार्ड वर्क के साथ में। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना। आप भी सिचुएशन चाहे कितनी भी टर्बल हो, आप चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में फंसे हो, एक तो उम्मीद का दामन मत छोड़ना और एक हार्ड वर्क मत छोड़ना। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप निकल जाओगे उससे, बस उम्मीद मत हारना।